कैसे हो स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ में हम प्रैक्टिस जोन वन मैंने कर दी थी और इसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था और एक दो क्वेश्चंस के पार्ट भी छोड़े थे आपके होमवर्क के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी अब हम ये समझेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं व्हेन आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कई सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाई अ मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है कि उसमें केवल एक टर्म होगा और वन टर्म वाले पॉलिनोमियल को वन टर्म वाले पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, या मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर है, देखें आप, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल 3x इंटू 8x, 3x एक पॉलिनोमियल है, 3x जो मोनोमियल है और 8x भी मोनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम करते क्या हैं, देखो इसमें करते हैं हम ये कि हम कोफिशियंट को कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आप देखिए, वो क्या होता है, एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम प्लस एन। यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कोफिशियंट को तो एज यूजुअल जैसे हम डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 हो जाएगा, मगर एक्स की पावर 1 होगी। अगर इस पर कोई पावर नहीं है तो एक्स पावर 1 मानी जाएगी, दूसरा एक्स पावर 1 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स, एक्स की पावर 1 और एक्स पावर 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। तो फाइनली हम वी हैव आंसर 24x², ठीक है। तो मोनोमियल को मोनोमियल से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, कोफिशियंट को कोफिशियंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ठीक है, तो इसको हम इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इसके बाद अगर हमारे पास एक सिचुएशन अलग हो, वो क्या है, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय बाइनोमियल, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखें आप इसको ज़रा देखें, एक हमारे पास मोनोमियल है जो x है और बाई माइनस जेड हमारे पास बाइनोमियल है, ठीक है। बाई माइनस जेड क्या है, बाइनोमियल। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल के, ब्रैकेट ओपन करके और x को बाई से और x को जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है इसमें, x को बाई से और x को जेड से दोनों से करेंगे। पॉजिटिव है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉजिटिव हो कि नेगेटिव होता तो हम साइन भी चेंज करते, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ओपन करने का तरीका भी है, जो आपने सम सीखे होंगे ना अर्थमेटिक में, वही सब इसमें है, लेकिन तरीका वही रहेगा, रूल वही रहेगा, ठीक है। करना ये इस तरह से, ठीक है। और देखिए अब आता है कि मोनोमियल को बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, ट्राइनोमियल का मतलब है तीन टर्म्स होंगे, ठीक है। ये देखें जैसे ये है 7x² एंड 2x + 5x² बाई माइनस 1। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई का साइन इसके साथ रखेंगे, फिर इसी टर्म को जब ब्रैकेट ओपन होगा, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 7x² को 2x से करेंगे, तो इसके साथ लिखेंगे पहले हम 7x² इंटू 2x प्लस 5x² बाई इंटू 7x² बाई, और उसके बाद अगेन 7x² इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तीन हमने निकाल लिए, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 7x² इंटू 2, मैंने कहा था कोफिशियंट को कोफिशियंट से, जैसे हमने एज यूजुअल पहले किया था, 7 × 2 = 14 हो गया, एक्स और एक्स, एक्स का स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं इसका, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है तो ये इसी तरह रहेगा। 7x² 5x² बाई में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 × 5 = 35 आ गया। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x पावर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होंगी, तो x की पावर 2 + 1 यानी 3, और y की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 2 + 1 यानी 3, तो लिखेंगे 35x³ / 3। नेक्स्ट इज 1 से मल्टीप्लाई करो किसी को, सेम रहता है, तो -7x² ठीक है। तो इस तरह से हम
मल्टीप्लाई करेंगे और पॉलिनोमियल को, अब आता है फाइनली कि एक मल्टी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसमें एक रूल है जिसे कहते हैं फॉइल। फॉइल, फॉइल का मतलब है फर्स्ट टर्म को, फिर आउटर टर्म को, फिर इनर टर्म और फिर लास्ट टर्म। ठीक है, अब ज़रा देखें इसको करते कैसे हैं। देखें आप, यहाँ पर हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं ए प्लस बी और सी प्लस डी। तो पहले ए के साथ में सी प्लस डी को रखा, फिर बी के साथ में सी प्लस डी को रखा। देखिए इस तरह से ए इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और फिर अगेन हमने इसका ब्रैकेट खोलने के लिए, ब्रैकेट ओपन करने के लिए ए से सी को मल्टीप्लाई किया ए सी, ए से डी को मल्टीप्लाई किया ए डी, बी से सी को मल्टीप्लाई किया बी सी, बी से डी को मल्टीप्लाई किया बी डी। तो वी हैव फोर टर्म्स लाइक फॉइल, फॉइल में भी हमने फोर टर्म्स लिए हैं। तो इसी तरह से इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें फोर टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपकी समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई सा भी एक एग्जांपल देखिए, इसमें क्या था, इस वाले में तो डबल ही है, वन टू वन टू, दो दो टर्म्स हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन और एक्स की पावर फाइव इन प्लस सेवन। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टू एक्स स्क्वायर के साथ इसको रख देंगे, टू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर x की पावर 5, x टू द पावर 5 प्लस 7, और दूसरा क्या है 7, तो 7 रखते हैं, प्लस का 7 है, उसके साथ में फिर रख देंगे x की पावर 5, x टू द पावर 5 प्लस 7। ठीक है, अब अगेन हम उस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ भी करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करना है 2x टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस वो सॉरी इंटू x टू द पावर 5। तो x टू द पावर 2 और x टू द पावर 5 दोनों में कोफिशिएंट केवल एक ही है, तो 2 बन जाए 2, 2 ही रहेगा। x टू द पावर 5, x टू द पावर 2 और x टू द पावर 5 ऐड होकर x टू द पावर 7 बन जाएंगे, और नेक्स्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर 7, तो 7 2 जा 14 एक्स स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसके साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है। फिर इस 7 को x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 x टू द पावर 5 और नेक्स्ट टर्म होगा 7 7 जा 49। तो इस तरह से ये चार टर्म्स मिल जाएंगे हम। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई 5a प्लस 6 बाई 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 11। ठीक है, अब यहाँ टू टर्म्स हैं या थ्री टर्म्स हैं, कितने भी टर्म्स हो, ठीक है, दोनों पॉलीनोमियल में कितने भी टर्म्स हो, तरीका वही है। हम पहले एक जो पहला पॉलीनोमियल दिया है उसके एक एक टर्म के साथ सबको रखते जाएंगे। जैसे 5a के साथ में हम रखेंगे इस वाले को, तो देखिए आप 5a के साथ में रख रहे हैं 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 11, अगेन प्लस लगाने के बाद 6 के साथ फिर पुट करेंगे इसी वाले को, तो 6 के साथ हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 11। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 5 जा 25, a और a टू a स्क्वायर कितना हो गया a क्यूब, प्लस 5a और 3a को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और a a स्क्वायर माइनस 5a, तो 5 का 11 से मल्टीप्लाई करो 55 और a। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 से 5a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 या 30 और a का कोई दूसरा है नहीं पावर, तो a स्क्वायर सेम आ जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3a से, तो 6 3 या 18 और a आ जाएगा। अगेन 6 को हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66। तो हमने पूरा इसे सॉल्व कर लिया। इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें लाइक टर्म्स हैं, जैसे 25 a क्यूब है, 5 a स्क्वायर है, तो देखें 25 a क्यूब है, 15 a स्क्वायर है और माइनस 55 a और 30 a स्क्वायर, तो 30 a स्क्वायर और 15 a स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड कर देंगे, 45 a स्क्वायर हो जाएगा और 55 a और 18 a ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो 18 कम हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 37, क्योंकि माइनस वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा है और 18 a प्लस का छोटा है, तो हम बचेगा हमारे पास माइनस का 37 a, और 66 एक कांस्टेंट टर्म है तो उसको एज इट इज़ रख देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर जो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलीनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और आप क्या करेंगे इसी के बेसिस पर प्रैक्टिस जोन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, इसको आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिए हैं, और कोशिश करिएगा फर्स्ट सेकंड दोनों करने की, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें क्या दिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इसमें तो मल्टीप्लाई करना है सिंपली, जैसे मैंने अभी बताया था उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल को देखते हैं जरा, इसमें क्या है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, किसका, और निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का अगर लेंथ इतना है, अगर ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो आप क्या करेंगे, एल के जगह पर 5x बाई इंटू 3x ए और इंटू 7 बाई ए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आप यहाँ पुट करेंगे। इन द सेम मैनर सेकेंड में करेंगे, थर्ड में भी ऐसी करेंगे, तो तीनों में ये करके फिल करना है। तो आप केवल दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे घर पे, और ये ही दो क्वेश्चंस मेरे पास सेंड करोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में अगले वीडियो में बताऊँगा।